कर रहे बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लाठी चार्ज हुआ है। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध कर रहे थे बिजली कर्मचारी, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पिटाई हुई है बिजली कर्मचारियों की, जो प्रदर्शन कर रहे थे निजीकरण के खिलाफ। प्रदर्शन कर रहे बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लाठी चार्ज हुआ है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है यहां पर भीड़ को वहां से हटाने के लिए, भीड़ को तितर बितर करके खदेड़ने के लिए। पानी की बौछार भी मारी गई है। और इसके अलावा जो लाठियों से पिटाई हुई है वो आप देख सकते हैं। निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे थे बिजली कर्मचारी और उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, फिर उनकी पिटाई की। दो अलग अलग तस्वीरें, भागते हुए कर्मचारी वहां से क्योंकि पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है। और इस वक्त पटना से जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश जरा बताएं कि क्या मांगे हैं इनकी, और ये जो पुलिस ने इस तरीके से पिटाई की है, क्या भीड़ ज्यादा उग्र हो गई थी इसलिए मारा गया या कोई और वजह थी? अभिषेक, इससे पहले हम जरा तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें किस तरीके से ये पूरा विद्युत भवन जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है और चारों ओर इस पूरे विद्युत भवन को पुलिस ने अपने घेरे में लिया है। प्रदर्शनकारी जो है, चूंकि बहुत प्राइम इलाका है ये राजधानी पटना का और इनकम टैक्स गोलंबर और बेली रोड जो है उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया था प्रदर्शनकारियों ने, और इसको लेकर यहाँ पे आवागमन जो है बिल्कुल पूरे पटना का एक तरीके से कह ले, चूंकि लाइफलाइन है राजधानी पटना का, वो पूरी तरीके से ठप हो गया था और उसे हटाने को लेकर यहाँ पे लाठी चार्ज करना पड़ा। और इसके अलावा यहाँ पे अब वज्र वाहन बुलाए गए हैं, इसके अलावा वाटर कैनन और तमाम सारे जो आसपास के थाने क्षेत्र हैं उनके लोग जो है पुलिसकर्मी उन्हें बुलाए गए हैं। हमारे साथ मजिस्ट्रेट है, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ स्थिति रही, किस तरीके से ये लाठी चार्ज की स्थिति नौबत आई। देखिए, इन लोगों को बहुत समझाया बुझाया गया कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ धरना प्रदर्शन करना मना है, धरना के लिए जगह गर्दनी बाग है, लेकिन वो लोग नहीं माने और मैजिस्ट्रेट के साथ पुलिस के साथ धक्का मुक्की किए, नारे लगाए और नहीं मान रहे थे। दोनों तरफ का रोड जाम कर दिया और यातायात को बाधित किया, आवागमन को बाधित किया, आम जन जीवन को अस्त व्यस्त किया। इसके बाद लाठी चार्ज किया, इसके बाद वाटर कैनन का यूज किया गया और नहीं माने, उसके बावजूद तब हल्का बल का प्रयोग किया गया है। तो ये मजिस्ट्रेट है, उनके अनुसार जो वस्तु स्थिति है। इसके अलावा हम यहाँ पे नजर दिखाना चाहेंगे कैमरे की नजर से किस तरीके से पूरा जो ये कैंपस है विद्युत भवन का यहाँ पे वो पुलिस छावनी में तब्दील है और प्रदर्शनकारी भी हालांकि तितर बितर हो गए हैं, जरूर डिस्पर्स हुए हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे है। क्या कुछ स्थिति है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा था इसके विरोध में तमाम सारे लोग, ग्रुप डी के हो या फिर अभियंता भी शामिल थे, तकनीशियन भी शामिल थे, इसको लेकर ये बेली रोड पर यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। आप यहाँ के कर्मचारी हैं? जी हाँ, क्या कर्मचारी। किस वजह से प्रदर्शन हो रहा था? जी, हम केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रायोजित आपका निजीकरण का जो अभी फैसला लिया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग यहाँ खड़े हैं। लेकिन अभी तो ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, मजिस्ट्रेट भी यही कह रहे हैं, जानकारी ली गई प्रबंधन के द्वारा यही आश्वस्त किया जा रहा है कि इस तरह का कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों ये विरोध क्यों और ये झमेला किस लिए? उसी के विरोध में हम लोग नीचे उतरे हुए हैं। कितने लोग थे आप लोग यहाँ पे? काफी लोग थे हम लोग तो देख सकते हैं। बिल्कुल रजनीश, लेकिन जब वो खुद कह रहे हैं कि प्रबंधन आश्वस्त कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर इस प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं बनता है कि जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसी कोई पहल नहीं की गई है और उससे पहले ये हंगामा शुरू हो गया। जाहिर तौर पे यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो भी बता रहे हैं कि जो बातें हुई हैं प्रबंधन से कहीं कोई निजीकरण जैसी बात नहीं है, लेकिन तमाम सारे लोग जो है वो ये बता रहे हैं कि निजीकरण निजी हाथों में दिया जा रहा है जबकि फायदे में चल रहा है यहाँ पे विद्युत भवन और जो जिस तरीके से जो ये सेक्टर है और अच्छी खासी कमाई भी हो रही है बावजूद इसके। इनके मन में अब ये बातें कहां से आई है ये दिगर बात है, लेकिन जाहिर तौर पे इतना बड़ा प्रदर्शन हो जाए राजधानी के ठीक हृदय में जो हार्ट ऑफ सेंटर है यहां पे,
और जो बातें हैं वो भी पुष्ट नहीं है, तो जाहिर तौर पे स्थितियां जो है। बिल्कुल रजनीश, अगर संभव है कुछ और बात हो सके तो बस संक्षेप में ये पता करेंगे अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि भीड़ को तितर बितर कर दिया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और प्रबंधन कह रहा है कि ऐसी कोई पहल नहीं की गई है निजीकरण की, अब क्या अगला कदम होगा इनका जानने की कोशिश करते। देखिए अभी विधि व्यवस्था को मेंटेन रखने को लेकर भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और लोग जो है यहाँ पे एहतियातन यहाँ पे हैं, और साथ ही साथ दूसरी ओर अगर आप देखें तो प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोग से हम पहले बात कर लेते हैं, मजिस्ट्रेट है यहाँ पे, सर ये बताएं कि आगे जो स्थिति को टैकल करने को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, सिक्योरिटी के हिसाब से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर है, किसी तरह का किसी को भी न्यूसेंस करने नहीं दिया जाएगा, किसी को किसी तरह का असंवैधानिक काम करने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है, दुरुस्त है, मुस्तैद है। प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, और लोगों से जान लेते हैं कि किस तरीके से वो आगे उनका क्या कुछ कोर्स ऑफ एक्शन होगा। आप लोग प्रदर्शन में शामिल थे, आप भी प्रदर्शन में शामिल है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं, अब जिस तरीके से बात यहाँ पे आई है, लाठी चार्ज हुआ है, अब कोई खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन देखिए ये विद्युत भवन का मुख्य द्वार है, लोग जो है बाहर यहाँ पे निकले हुए तमाम सारे जो कर्मी हैं, और यहाँ पे खुलकर कोई कुछ बोलना नहीं चाहते। आप यहाँ पे बात करने की हम कोशिश करते हैं, देखिए तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे, जरूर डिस्पर्स हो गए हैं तमाम सारे लोग, लेकिन कोई खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहता है। सर आज जो ये वाकया हुआ है इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ मांग थी? देखिए इसमें हम लोग यहाँ के DGM हैं, हम लोग इस मामले में अधिकृत नहीं है आपको कुछ बताने का, तो इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। आप जो सिचुएशन देख रहे हैं आप उसको देखिए, आप स्टडी कीजिए। अच्छा थोड़ी ये सिर्फ जानकारी ले लें, ठीक है, जो प्रबंधन की बातें ये लोग कह रहे हैं कि निजीकरण की बात, मजिस्ट्रेट बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, तो आखिर इतने सादा लोग इकट्ठा हो गए? CMD साहब ने बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है बैठा के, आपको 4-5 दिन पहले ही स्टैंड आपको, और उसके बाद तो अब उनको कंफ्यूजन है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन है लोगों में, और इसको लेकर कि ये स्थिति जो है वो बनी है, और पूरा राजधानी जो है वो रेंग रहा था जिस तरीके से यहाँ पे जाम की स्थिति हुई, क्योंकि काफी प्राइम लोकेशन है राजधानी पटना का। बिल्कुल, और इस बीच में यहाँ पे लाठीचार्ज की नौबत आई, वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया, और तमाम सारे जो प्रदर्शनकारी है डिस्पर्स हो गए हैं, उनकी ओर से कोई खुलकर बयान देने की स्थिति में यहाँ बिल्कुल जाहिर तौर पर पुलिस ने वहाँ पर पूरा इलाके में ज्यादा संख्या में पुलिस बल को बुला लिया गया है, तो ऐसे में प्रदर्शनकारियों की अब यहां बहुत ज्यादा गुंजाइश बचती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल विद्युत कर्मचारी, विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस